दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ईशाला। भगवती चरण का जन्म 4 जुलाई 1904 को लाहौर में हुआ था, पर बड़े होने पर वे पंजाब में आकर रहने लगे थे। बोहरा संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। यही कारण है कि वे भगवती चरण बोहरा के नाम से संबोधित किए जाते थे। भगवती चरण की शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई थी। वे प्रकृति से विप्लवी थे, नियमों को तोड़कर चलने वाले थे। अतः विद्यार्थी अवस्था में ही क्रांतिकारियों में सम्मिलित होकर देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने लगे थे। विद्यार्थी अवस्था में ही भगवती चरण का विवाह हो गया था। उनके पत्नी का नाम दुर्गा बोहरा था। दुर्गा के पिता एक सन्यासी थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवती चरण के साथ यह समझकर किया कि उनकी पुत्री उनके साथ सुख से रहेगी, पर जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवती चरण का साथ क्रांतिकारियों का है, तो वह बहुत दुखी हुए थे। पर स्वयं दुर्गा जी को इस बात से रंच मात्र भी दुख नहीं था। दुख के स्थान पर उन्हें अभिमान था, क्योंकि उनके हृदय में भी देश के प्रति प्रगाढ़ भक्ति थी। दुर्गा जी ने बड़ी अनन्यता के साथ अपने क्रांतिकारी पति का साथ दिया। एक समय था जब उनका घर क्रांतिकारियों का अड्डा बन रहा था। वे क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी। भगवती चरण ने पढ़ना छोड़ने के पश्चात देश के काम के अतिरिक्त और कोई काम नहीं किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में क्रांतिकारी दल का संगठन बड़े उत्साह और बड़ी लगन के साथ किया था। वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के दाएं हाथ थे। भगवती चरण ने अपने प्राणों की चिंता न करके क्रांतिकारियों के लिए अपना घर खोल रखा था। कोई भी क्रांतिकारी किसी भी समय उनके घर में जा सकता था, रोटी खा सकता था और विश्राम कर सकता था। क्रांतिकारियों की बैठक भी प्राय उन्हीं के घर में हुआ करती थी। क्रांतिकारियों के लिए अन्न का प्रबंध वे ही किया करते थे। 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। कांग्रेस के निश्चय अनुसार सारे देश में कमीशन का बहिष्कार किया गया। अक्टूबर में जब कमीशन लाहौर गया, तो वहां भी उसके बहिष्कार के लिए एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी ने किया था। जुलूस जब लाहौर स्टेशन पर पहुंचा, तो उस पर घोड़े तो दौड़ाए ही गए, लाठियों की वर्षा भी की गई। लाठी की चोट लाला जी को भी लगी, फलस्वरूप उनका स्वर्गवास हो गया। लाला जी के स्वर्ग गमन में सारे देश में शोक का सागर उमड़ पड़ा। जहां शोक का सागर उमड़ा, वही असंतोष की आग जल उठी, क्योंकि उनकी मृत्यु लाठियों की चोट से हुई थी। क्रांतिकारियों का मन विक्षुब्ध हो उठा। उन्होंने उस अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को मार डालने की प्रतिज्ञा की, जिसके संकेत पर लालाजी पर लाठी चलाई गई थी। क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या की योजना तैयार की। आखिर 16 दिसंबर के इदम संध्या समय 4 और 5 के बीच में सैंडर्स की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करने में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद का हाथ था। हत्या के पश्चात बड़े जोरों के साथ इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न किया जाने लगा, परंतु अधिक प्रयत्न करने पर भी तीनों क्रांतिकारियों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। भगवती चरण, दुर्गा भाभी और भगत सिंह एवं राजगुरु ने मिलकर लाहौर से निकल जाने की एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार भगत सिंह एक अमेरिकी साहब के वेश में अपनी पत्नी और अर्दली के साथ रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर लाहौर से कलकत्ता चले गए। दुर्गा भाभी ने अमेरिकन साहब की पत्नी और राजगुरु ने अर्दली का वेश धारण किया था।
आजाद भी उसी गाड़ी से साधु के वेश में लाहौर से बाहर चले गए। कहा जाता है कि मार्ग में किसी स्टेशन पर भगवती चरण ने अमेरिकन वेशधारी भगत सिंह के डिब्बे के पास खड़े होकर अपनी पत्नी दुर्गा से कहा, वास्तविक रूप में आज ही तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ है। सैंडर्स की हत्या के बाद जब जोरों से गिरफ्तारी होने लगी तो भगवती चरण और दुर्गा दोनों अदृश्य हो गए। दुर्गा तो अमेरिकन स्त्री के वेश में भगत सिंह के साथ कलकत्ते चली गई और भगवती चरण उत्तर प्रदेश की ओर चले गए थे। घटनाओं से पता चलता है कि दुर्गा और राजगुरु कलकत्ते नहीं गए थे, कलकत्ते अकेले भगत सिंह ही गए थे। पूरे डेढ़ वर्ष तक भगत सिंह फरारी की स्थिति में इधर उधर घूमते रहे। वे कहां कहां गए थे और क्या करते रहे, इस संबंध में आज तक भी कुछ पता नहीं चल सका। बस केवल इतना ही कहा जा सकता था कि डेढ़ वर्ष तक वे प्राय अदृश्य ही रहे। उधर भगत सिंह पहले तो कलकत्ते गए और फिर आगरा चले गए। आगरा में उन्होंने अपने साथियों से मिलकर दिल्ली के केंद्रीय असेंबली हॉल में बम विस्फोट करने की योजना बनाई। भगत सिंह और दत्त की योजना के अनुसार 1929 के जून मास में दिल्ली में केंद्रीय असेंबली हॉल में विस्फोट किया। फलस्वरूप भगत सिंह एवं दत्त को गिरफ्तार करके लाहौर जेल में पहुंचा दिया गया। पहले उन्हें दिल्ली की जेल में रखा गया था, फिर लाहौर के मियांवाली जेल में भेज दिया गया। राजगुरु, सुखदेव आदि को पहले ही गिरफ्तार करके मियांवाली जेल में रखा गया था। जेल में क्रांतिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, अतः उन्होंने अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी। सरकार जब उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो उन्होंने अनशन आरंभ कर दिया। जिन दिनों अनशन चल रहा था उन्हीं दिनों भगवती चरण आजाद ने मिलकर आपस में परामर्श करके भगत सिंह को छुड़ाने की एक योजना बनाई। योजना यह थी कि अनशन के कारण जब भगत सिंह को दूसरी जेल में ले जाया जाने लगे तो रास्ते में पुलिस की गाड़ी पर बम फेंककर उन्हें छुड़ा लिया जाए। कहा जाता है कि दुर्गा भाभी ने भगत सिंह जी की चाची के वेश में 2-3 बार जेल में जाकर उन्हें योजना से अवगत कराया था। योजना अच्छी तरह तैयार हो गई तो निश्चय किया गया कि बम का विस्फोट करने से पूर्व उसका परीक्षण कर लिया जाए, कहीं ऐसा न हो कि समय पर विस्फोट न हो और सारी योजना विफल हो जाए। 28 मई 1930 को भगवती चरण और आजाद बम का परीक्षण करने रावी नदी के तट पर निर्जन स्थान पर गए। आजाद तो कुछ दूर बैठे रहे पर भगवती चरण हाथ में बम लेकर उसका परीक्षण करने लगे। उन्होंने कहा, कैप कुछ ढीली लग रही है। वैशंपायन बोल उठे, लाओ मैं जरा देख लूं। पर भगवती चरण बम वैशंपायन की ओर बढ़ाए, उसके पूर्व ही बम फट गया। बड़े जोर से धमाका हुआ, भगवती चरण के दोनों हाथ कट गए और शरीर क्षत विक्षत हो गया। वैशंपायन और आजाद वहां ठहर नहीं सके क्योंकि धमाके से पुलिस के आने का डर था। उन्होंने दुर्गा भाभी के पास जाकर इस दुखद घटना का समाचार सुनाया। वे न तो रावी के तट पर अपने मृत पति के शव के पास जा सकी और न अच्छी तरह रोकर अपने हृदय के दुख को कुछ कम कर सकी। देश के अहित की आशंका में उनके हृदय को वज्र बना दिया, उनके आंसुओं को सुखाकर बर्फ की भांति कठोर बना दिया। सुनते हैं कि भगवती चरण के क्षतविक्षत शरीर को किसी अपरिचित मनुष्य ने रावी नदी की लहरों में प्रवाहित कर दिया। रावी नदी अपने वीर पुत्र को अपनी गोद में लेकर पुलकित हो उठी।